दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर आज विशेषज्ञों ने चिंतन किया। इसे लेकर अलवर के आरआर कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर रमानंद यादव ने बताया कि यह सेमिनार केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से रखी गई थी। मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इसकी पहल की है। हमारा जो राजर्षि महाविद्यालय है, राजस्थान का एक बहुत अच्छा हायर लेवल का कॉलेज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसर्च का लेवल यहाँ उतना अच्छा नहीं है जितना बड़ा इसका नाम है। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पहले भी बहुत राष्ट्रीय लेवल की और अच्छी बहुत कॉन्फ्रेंसेस कराता आ रहा है। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर सरोज गर्ग ने की। उनका कहना था कि दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसे रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाए, इस पर विचार के लिए यह आयोजन किया गया। ये जो कॉलेज लेवल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री द्वारा की जा रही है आरआर कॉलेज में, दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन वायु पोल्यूशन हो रहा है उस बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पूरा कॉलेज इकट्ठा है। इसमें पोल्यूशन क्यों हो रहा है, कौन दोषी है, इसको कैसे दूर किया जाए, इस पर डिस्कस किया जाएगा। पीएम 2.5 और पीएम 10 जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, एनजीटी चिंतित, सब चिंतित, यदि ध्यान नहीं दिया गया तो ये पूरा एनसीआर एक गैस चैम्बर ग्रुप में बदल जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब लंदन स्मोक की बात थी, यहाँ भी लोग वायु पोल्यूशन से मर जाए। प्रदूषण की वजह से कई बीमारियां भी फैलती हैं। इस मौके पर काफी संख्या में छात्र छात्राएं और कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा।